नाउ सेमीकंडक्टर में एक्सरसाइज टू का पार्ट नंबर टू डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इन सिलिकॉन 8300 केल्विन इज 1.56 इनटू 10 टू पावर 16 गिवन है। इफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मोबिलिटी आर रिस्पेक्टिवली 0.135 एंड 0.06 इन एसआई यूनिट, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल निकालना है अप्रोक्सीमेटली, यानी आपको रो की वैल्यू निकालनी। तो सिग्मा इक्वल टू होता है एन इंटू ई को तो कॉमन ले लेते हैं ब्रेकेट में, म्यू ई प्लस म्यू एच, और इसका इनवर्स जो होगा वो रो होगा 1/सिग्मा। तो पहले सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं। एन की वैल्यू गिवन है 1.56 इंटू 10 टू पावर 16, और ये 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19, ब्रैकेट में म्यू ई गिवन है इलेक्ट्रॉन की और होल की मोबिलिटी है ये 0.135 प्लस 0.065। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसका इन्वर्स कर देंगे 1/सिग्मा, तो रो की वैल्यू आ जाएगी जो ऐसा यूनिट में 2000 के अराउंड आएगी। सही ना। क्वेश्चन नंबर टू, सर्किट्स ऑन विलो कंटेंट टू आइडियल डायोड ईच विथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 50 ओम इन द बैटरी वोल्टेज 6 वोल्ट करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हमें। तो ये दो डायोड है D1 D2, D1 50 ओम है, ये 75 ओम, और साथ में एक बैटरी कनेक्टेड है 6 वोल्ट की, और ये 100 ओम। अगर हम डायोड के नेचर को देखें तो इसको हमने रिवर्स वाइज में कनेक्ट किया हुआ है, इसका पी साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये फॉरवर्ड वाइज से आइडियल डायोड है, तो ये ओपन सर्किट होगा और ये कंडक्टिंग वायर होगा। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू 6/250, और आंसर हमें निकालना है मिली वोल्ट में, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं ताकि मिली वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 मिली। इसमें रेजिस्टेंस भी गिवन है, सर्किट में विलो कंटेंट टू आइडियल डायोड ईच विथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो यहाँ इसका हमने डायोड का रेजिस्टेंस है 50 ओम, तो इसको रेजिस्टेंस को भी कंसीडर करना होगा। तो फिर आई लिखूंगा मैं क्या, 6/ ये 150 100 200 + 300 हो जाएगा, और 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ताकि ये मिली एम्पीयर में कर दो, तो ये जो दियो कैंसिल आउट हो गए और ये हो जाएगा टू, तो इक्वल टू आएगा 20 मिली एम्पीयर। सही, तो आंसर आना चाहिए 20 मिली एम्पीयर। ना क्वेश्चन नंबर थर्ड, में आपको अगेन सर्किट गिवन है, उसमें ये जर्मेनियम डायोड है, और ये सिलिकॉन का डायोड है, और ये बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट की, ये अर्थिंग किया हुआ है, ये वी नोट है, और एक रेजिस्टेंस भी है साथ में 5 किलो ओम का। जर्मेनियम सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट, तो ये 0.3 वोल्ट है और ये 0.7 वोल्ट। इन फॉलोइंग फिगर इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्टेड आर रिवर्स द वैल्यू ऑफ जर्मेनियम डायोड कनेक्टेड आर रिवर्स द वैल्यू ऑफ वी नोट चेंज बाय अज्यूम दैट जर्मेनियम डायोड हैज ए लार्ज ब्रेकडाउन वोल्टेज। सही, तो वी नोट की वैल्यू में कितना चेंज आएगा ये हमें डिस्कस करना है, अगर इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करें। तो देखो, इनिशियली एक सर्किट हमें गिवन है, तो ओनली जर्मेनियम डायोड कंडक्ट होगा, और जब जर्मेनियम डायोड कंडक्ट होगा तो ये अर्थिंग है यहाँ पर, ये जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा 12, और 12 - 0.3 यानी वी नोट की वैल्यू आएगी इस केस में 11.7 वोल्ट। सही, अब अगर हमें इसको रिवर्स बाइस में कनेक्ट करते हैं जर्मेनियम डायोड को, तो फिर ये कंडक्ट ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा इस केस में,
फिर ये जर्मेनियम डाइट कंडक्ट होगा, और जब सॉरी सिलिकॉन डाइट कंडक्ट होगा तो फिर वी नॉट की वैल्यू सेकेंड वाले केस में, ये फर्स्ट वाले में, सेकेंड वाले केस में हो जाएगी 12 माइनस 0.7, यानी ये हो जाएगा 11.3 वोल्ट। सो ये दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0.4 वोल्ट ये डिफरेंस आएगा वी नॉट वन माइनस वी नॉट टू के, तो आंसर आ जाएगा इन वोल्ट हमें फाइंड आउट करना था तो 0.4 आंसर आ जाएगा। सही। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 200 वोल्ट इज कनेक्टेड इन डायोड रजिस्टर आर इन सर्किट ऑन एंड सो दैट हाफ वेव रेक्टिफायर अकर। इफ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज नेग्लिजिबल इज कम्पेयर टू आर, देन आर एम एस वोल्टेज अक्रॉस आर इज अप्रोक्सीमेटली, निकालना में कितना होगा आर एम एस वोल्टेज। सही। तो आउटपुट का आर एम एस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इक्वल टू वी नोट बाई टू, और वी नोट है कितना अपना 200, तो 200 बाई टू यानी 100, तो आंसर आएगा 100 वोल्ट। सही। ये फॉर्मूला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, आर एम एस वैल्यू जो आउटपुट होता है वी नोट बाई टू होती। ना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अगेन आपको सर्किट गिवन है, हमें पॉइंट ए और बी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ये 3 वोल्ट, ये 10 किलो ओम, ये भी 10 किलो ओम, और डायोड साथ में ये भी है 10 किलो ओम। ये सर्किट आपको गिवन है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए भी फाइंड आउट करना है। तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में, कुछ भी नहीं दिया जाता तो मान के चलते आइडियल डायोड तो 10 और 10 हो जाएगा कितना 5, तो 15 हो गया, तो यहाँ से करंट निकलेगी आई इक्वल टू 3/15 किलो ओम, तो ये 1/5 हो गया, यानी 0.2 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगी। सही। ये 0.2 मिली एम्पियर करंट डिवाइड हो जाएगी इक्वल पार्ट में, तो इस वाले से करंट फ्लो करेगी 0.1 मिली एम्पियर, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इक्वल टू लिखूंगा मैं 0.1 मिली एम्पियर 10^-3 इंटू 10 किलो एंड 10^3। सही। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया 10^-3 से, तो यहाँ से वी ए बी की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू 1 वोल्ट आएगा। आंसर हमें वोल्ट में फाइंड आउट करना था। सही। तो वैल्यू आ गई। ना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसमें आप में सर्किट, इस क्वेश्चन में सर्किट गिवन है हमें और हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी फाइंड आउट करना है। ये 30 वोल्ट ये 10 किलो ओम, ये भी 10 किलो ओम है और ये रेजिस्टेंस भी 10 किलो ओम है। इन अ गिवन सर्किट डायोड इन फॉरवर्ड बायस तो एज ए कंडक्टिंग वायर वर्क करेगा, 10 और 10 हो जाएगा 5 किलो ओम, 5+10 हो गया 15 किलो ओम, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगी I इक्वल टू 30/15 किलो ओम यानी 2 मिली एम्पियर, और ये करंट फिर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी 1/1 मिली एम्पियर में। तो ए बी के थ्रू जो 10 किलो ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी इक्वल टू लिखूंगा 10 किलो, तो रेजिस्टेंस हो गया और करंट है 1 मिली एम्पियर 10^-3, तो इक्वल टू आएगा 10 वोल्ट। सही। ना क्वेश्चन नंबर सिक्स, हमें इन ए गिवन सर्किट करंट मिली एम्पियर थ्रू जेनर डायोड फाइंड आउट करना है, तो ये 12 वोल्ट, ये 500 ओम, ये 1500 ओम और ये जेनर डायोड है, साथ में R2 और ये V2 इक्वल टू है 10 वोल्ट। सही। 10 वोल्ट है।
तो हमें करंट कैलकुलेट करना है कि जेनरेटर डायोड के थ्रू कितनी करंट फ्लो होगी, ये फाइंड आउट करना है। पर ये टू अननोन है, सही। ये 10 वोल्ट का मतलब इस 1500 के बिटवीन भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 10 वोल्ट होगा। तो यहाँ जो करंट होगी इस वाले पोर्शन में, उस करंट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 1500, अगर इसमें मान लो आई करंट है I1 इस वाले पोर्शन में, तो I1 इक्वल टू होगा 10 डिवाइड बाई 1500 यानी 1/150 एम्पियर। और अगर ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, तो ये 12 वोल्ट होगा, तो ये भी 12 वोल्ट होगा, और ये जीरो तो ये 10 वोल्ट होगा, तो ये भी 10 वोल्ट हो जाएगा। तो इनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 2। तो यहाँ से करंट जो होगी इस वाले पोर्शन की वो 2/500 होगी यानी 1/250, सही। जबकि ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो करंट है वो 1/250 है, जबकि इस वाले पोर्शन की जो करंट है वो 1/150 है। और ये वाली करंट इससे ज़्यादा जो कि रियली में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि करंट थ्रू जेनर डायोड इक्वल टू जीरो होगा, बिकॉज जेनर डायोड इस केस में क्या है, फॉरवर्ड बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव नहीं हुआ ना, इसलिए आंसर आ जाएगा जीरो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फिगर शो डीसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट विद जेनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है ना। तो ये सर्किट हमें गिवन है, आर एस इक्वल टू है 2 किलो ओम, और ये जेनर डायोड है, और ये आर कनेक्टेड है 4 किलो ओम। ये करंट आई एल है और ये वाले करंट आई एस है, और जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज है 6 वोल्ट। If the unregulated input voltage vary between 10 volt to 16 volt, then what is the maximum Zener current in milliampere, find out करना, सही। तो suppose यहाँ पर potential difference, अगर पहला केस लें है, potential difference जो है वो 10 volt है, सही। अगर potential difference 10 volt होगा तो पहले इसमें से current निकाले, इसके between potential difference कितना है 6 volt, तो इस वाले IL की जो value होगी वो 6/4 किलो ओम यानी 1.5 मिली एम्पियर होगी, सही। और ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो ये हो गया 6 वोल्ट। अब यहाँ पर आपने 10 वोल्ट लगाया तो ये पॉइंट हो जाएगा 10 वोल्ट फर्स्ट वाले केस के लिए। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कितना, 4, और 4/2 किलो, तो यहाँ से करंट आएगी कितनी, 4/2 यानी 2 मिली एम्पियर। इसमें करंट है 1.5 मिली एम्पियर, इसका मतलब इसमें से करंट फ्लो करेगा 0.5 मिली एम्पियर, सही। सेकेंड वाला केस ले, बी वाला, जो पोटेंशियल लगाया आपने कितना 16 वोल्ट, जो पोटेंशियल, ये वाली करंट तो सेम रहेगी, अब ये वाली करंट अगर देखें तो यहाँ आ गया 16 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कितना, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 10 वोल्ट। तो फिर करंट फ्लो होगी, ये वाली जो करंट होगी सेकेंड वाले केस में वो 5 मिली एम्पियर होगी, ये 5 है और इस वाले पोर्शन में करंट 1.5 है, तो जेनर डायोड से करंट होगी इस वाले केस में कितनी, यहाँ से करंट निकालें इस वाले पोर्शन की सेकेंड वाले केस की, तो 3.5 मिली एम्पियर होगी, सही। अब इसमें करंट मिली एम्पियर में निकालना है, और वो भी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगी 3.5 मिली एम्पियर, तो आंसर आएगा 3.5, सही। ना क्वेश्चन नंबर 8, करंट मिली एम्पियर थ्रू आइडियल पीएन जंक्शन कैलकुलेट करना है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड है, साथ में 100 ओम का रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, इधर वोल्टेज है 2 वोल्ट और इधर वोल्टेज है 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है। और अगर सर्किट को देखें तो ये डायोड रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में एज ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, तो आंसर आ जाएगा I=0, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर अ ट्रांजिस्टर अल्फा गिवन है 0.8, ट्रांजिस्टर इज इन CE कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर, चेंज इन कलेक्टर करंट मिली एम्पियर व्हेन द बेस करंट चेंज बाय 6 मिली एम्पियर। तो हमें IC में यानी डेल्टा IC फाइंड आउट करना है कितना होगा, और डेल्टा IB की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है कितना, 6 मिली एम्पियर, और अल्फा गिवन है 0.8। तो इससे बीटा निकालते हैं, और बीटा और अल्फा में रिलेशन होता है β=α/1 - α। तो यहाँ से ये तो हो गया 0.8 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.8,
तो ये हो जाएगा 0.2, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4, सही। और बीटा जो इक्वल टू होता है वो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी होता है, सही। आई बी में चेंज दिया आपको 6 मिली एम्पियर, तो 6 × बीटा कर दो तो 24 मिली एम्पियर, तो डेल्टा आई सी इक्वल टू हो जाएगा 24 मिली एम्पियर, सही। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9th का, तो आंसर आ जाएगा 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, PN ट्रांजिस्टर ऑपरेट एज ए कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, पावर गेन ऑफ 60 dB, इनपुट सर्किट रेजिस्टेंस इज 100 ओम एंड आउटपुट लोड रेजिस्टेंस 10 kΩ, कॉमन इमिटर करंट गेन बीटा फाइंड आउट करना है ना कि बीटा क्या होगा। तो देखो पावर गेन जो होता है वो इक्वल टू होता है बीटा करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन, सही। तो सबसे पहले पावर गेन की वैल्यू निकाले जो कि डीबी में गिवन है 60 dB, और रिलेशन होता है 6th पावर गेन के लिए 60 इक्वल टू लिखूंगा 10 लॉग ऑफ बेस 10 पी आउट अपॉन पी इन, और ये पी आउट अपॉन पी इन क्या पावर गेन है, तो यहाँ से पावर गेन की वैल्यू निकालेंगे तो 10^6 आएगी, सही। पी आउट अपॉन पी इन की वैल्यू जो कि पावर गेन है, तो पावर गेन इक्वल टू हो जाएगा 10^6, और ये इक्वल टू होता है बीटा इंटू ए वी, जहाँ ए वी का मतलब है कॉमन ई ना, बीटा इंटू ए वी, ये बीटा इंटू ए वी नहीं लगाए तो बीटा स्क्वायर इंटू आर गेन भी लिख सकते हैं इसको, रेजिस्टेंस गेन, सही। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 10^6 इक्वल टू बीटा का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, और रेजिस्टेंस गेन इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो तो 100 ओम है और आउटपुट रेजिस्टेंस 10 kΩ में, तो आउटपुट अपॉन इनपुट जो रेजिस्टेंस गेन है उसकी वैल्यू हो जाएगी 100, तो फिर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 10^4 आएगा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 100, तो करंट गेन आएगा 100, सही। ना क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th में अप्रोक्सीमेटली हमें वोल्टेज गेन फाइंड आउट करना है फॉर गिवन सर्किट, इनपुट वोल्टेज है 200 mV और इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो है 20 ओम, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनपुट करंट इक्वल टू आ जाएगा 10 mA, और ये इनपुट करंट IE है जो कि 10 mA है, और अप्रोक्सीमेटली ये IC के इक्वल होगा, तो फिर आउटपुट वोल्टेज जो होगा V out इक्वल टू 10 mA, तो करंट और रेजिस्टेंस जो गिवन है RL वो है R 5 kΩ, तो यहाँ से 550 V V out आएगा, सही। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो वोल्टेज गेन इक्वल टू होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट 200 mV, आंसर आ जाएगा 250, सही। ना क्वेश्चन नंबर 12th, इसमें ये ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट गिवन है, इनपुट ए और बी है, और ये आउटपुट है, सर्किट शोन हेयर कैन बी यूज एज ए लॉजिक गेट, लॉजिक गेट नंबर हमें पता करना क्या होगा। तो देखो जब इनपुट हम 0 0 देंगे, लो इनपुट ए बी और ये आउटपुट, जो इनपुट 0 होगा जिसे यहाँ पर लो इनपुट है, और जब इनपुट लो होता है तो एज ए कट ऑफ की तरह वर्क करेगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा यहाँ पर ये वाला ट्रांजिस्टर इनके बिटवीन, और इधर से भी ओपन सर्किट हो जाएगा,
और दोनों तरफ से ओपन सर्किट होने का मतलब है ये इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो अर्थिंग यहीं आ जाएगा सही, और अर्थिंग अगर यहीं आ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा सही, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा बिकॉज ये वोल्टेज यहाँ से यहाँ तो ओपन सर्किट है, ये भी ओपन, 1-0 देते हैं, अगर इसको 1-0 देंगे, इसको 0 दिया तो ये तो पूरा ओपन सर्किट हो गया, और ये इसको 1 देंगे तो ये एज ए कंडक्टिंग वायर की तरफ वर्क करेगा, पूरा कंडक्टिंग वायर बन जाएगा, तो ये VCC वोल्टेज उठ कर ही आ जाएगा, यानी आपको आउटपुट मिलेगा VCC, यानी हाई आउटपुट मान लेते हैं, पहले तो 0 मिल रहा था इसलिए 1 हो जाएगा, 0-1 आपने दिया तो वापस देखिए 0, तो ये तो यहाँ ये पूरा तो ओपन सर्किट होगा पर ये कंडक्टिंग वायर बन जाएगा, तो VCC यहाँ से चलता हुआ ही आ जाएगा, ये वापस आपको आउटपुट मिलेगा। 1 में तो दोनों कंडक्टिंग वायर बनेंगे, ये भी आउटपुट देगा, और स्टेबल से अगर कंपेयर करें तो इसका मतलब कौन सा लॉजिक गेट है, ये और लॉजिक गेट है जिसका नंबर हमें गिवन है कि 102, तो आंसर आएगा 102 सही। नाउ एक्सरसाइज 3 का पार्ट नंबर 1, आउटपुट और गेट इज कनेक्टेड टू बोथ इनपुट ऑफ नैंड गेट कॉम्बिनेशन विल, है ना, तो आउटपुट ऑफ और गेट कनेक्टेड टू इन बोथ इनपुट ऑफ नैंड गेट, तो ये ए और बी इनपुट है और गेट के लिए, और इसका आउटपुट जो है, ये आउटपुट जो है इसको हमने नैंड गेट से कनेक्ट किया है, तो ये वाई फाइनल आउटपुट है ना, तो हमें पता करना है कौन सा लॉजिक गेट होगा, तो अगर टेबल बना के देखें 0-0, 1-0, 0-1 और 1-1 ये वही आउटपुट है, ये 0-0 को 0 बनाएगा और ये 0-0 को 1 बना देगा, ये 1-0 को 1 बनाएगा, ये 1-1 को 0 बना देगा, ये 0-1 को 1 बनाएगा, ये 1-1 को 0 बना देगा, ये 1-1 को 1 बनाएगा, ये 1-1 को 0 बना देगा, ये तो ये गेट होगा नोर गेट सही, अगर टेबल के अकॉर्डिंग इसको ऑब्जर्व करें तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये ए और बी इनपुट है, और वाई फाइनल आउटपुट है, हम इसकी टेबल ऑब्जर्व करनी क्या होगी, यानी ए बी इनपुट और वाई फाइनल आउटपुट, जब 0-0 देंगे इन दोनों पर तो ये 1 बनेगा सही, और ये 0 है और ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, और ये 0-0 दिया हमने तो ये 1 हो गया, ये 0 था इसका, और ये 1-1 तो ये 0-1 को ये 1 बनाएगा, और 1-0 को ये 1 बनाएगा, और 1-1 को 0 बना देगा सही, अब अगला देते हैं 1-0, यानी इसको 1 दिया इसको 0 दिया, तो ये 1-0, ये 1, ये 0, ये 1-0 को 1 बनाएगा, ये 1-1 को 0 बना देगा, यहाँ भी 1, तो इसको 1 बनाएगा, और ये 0, ये 1 बना देगा, तो ये बनाएगा सही, तो ऑप्शन को देखते जाते हैं 0-1 को, इसी तरह से इस ये भी 1 हो जाएगा, और 1-1 देते हैं, ये 1 और ये भी 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1-1 को 0 बनाएगा, ये 0-0, ये 1 बना देगा, 1 बना देगा, उनको 0 बना देगा, इसको नहीं 0 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, IV करेक्टरिस्टिक्स फॉर LED पता करना है, LED को हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, तो फॉरवर्ड बायस वाले जो ग्राफ होंगे वही सही है, जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन वाइज देखें तो आंसर आ जाएगा 4th सही। फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्टेड इज, हमें पता करना है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस में पी को रखते हैं हाई पोटेंशियल पर कंपेयर टू ए, सॉरी पी को रखते हैं हाई पोटेंशियल पर कंपेयर टू एन, तो ऑप्शन नंबर 1 को देखें तो हम पी है -3 और एन भी -3, ये तो ना फॉरवर्ड में ना रिवर्स में, सेकेंड वाले में देखें तो पी 2 वोल्ट पर है जबकि एन क्या है 4 वोल्ट पर, ये तो रिवर्स बायस में होगा, थर्ड ऑप्शन को देखिए तो पी -2 वोल्ट पर है
और पी जो पी माइनस टू वोल्ट पर, एन क्या है 2 वोल्ट पर, ये भी रिवर्स वाइज होगा। फोर्थ वाले को देखें तो पी जो है 2 वोल्ट पर, एन माइनस 2 वोल्ट पर, इसका आंसर आएगा फोर्थ। द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन अल्फा एंड बीटा देयर यूजुअल मीनिंग इन करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट करना है। तो अल्फा बीटा में रिलेशन होता है बीटा इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, सही। तो ऑप्शन वाइज अगर हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है, इसी तरह से थर्ड भी इनकरेक्ट है क्योंकि थर्ड में अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा दिया है जो कि नेगेटिव वैल्यू देगा, तो आंसर आएगा 1 और थर्ड दोनों सही है इनकरेक्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी ये टोटल 4 इनपुट है और आउटपुट एक्स है, हमें पता करना है कि आउटपुट जो होगा वो किस गेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो 4 इनपुट है तो अगर वैल्यू देखें तो इनिशियली क्या दोनों सब लो है, ए बी जीरो, बी बी जीरो, सी बी जीरो, डी बी जीरो, आउटपुट भी जीरो आ रहा है, जीरो 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 को जीरो बना रहा है। फिर ए तो 1 हो गया, बी भी 1 हो गया, प्लस सी 0, डी भी 0, फिर 1 आ गया, इसका मतलब कोई भी एक 1 हो गया तो ये 1 दे रहा है, इसका मतलब और गेट होगा ये, सही। तो आंसर आ जाएगा और गेट। क्वेश्चन नंबर 7, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ सी यू अनडोप्ड एस आई इन टेम्परेचर रेंज 300 to 4 केल्विन। तो सी यू कॉपर होता है यानी कंडक्टर है, एस आई सेमी कंडक्टर है, तो इस केस में क्या होगा, कॉपर के केस में क्या होगा विथ टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, जबकि सेमी कंडक्टर में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन को देखें तो लीनियर डिक्रीज फॉर सी यू, लीनियर इंक्रीज फॉर सी यू, लीनियर इंक्रीज फॉर सी यू, लीनियर इंक्रीज फॉर सी यू, तो इंक्रीज वाला ऑप्शन सही रहेंगे और उसमें डिक्रीज होगा, डिक्रीज वाला एक ही ऑप्शन है इसमें फोर्थ नंबर वाला, इसलिए आंसर आ जाएगा फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द सेमी कंडक्टर डिवाइस हूज करेक्टरिस्टिक्स आर गिवन बिलो इन ऑर्डर 1, 2, 3, 4। ओके, तो पहले वाले को अगर देखें तो पहला वाला जो है वो जेनर डायोड के लिए, सॉरी पहले वाला सिंपल डायोड के लिए, सेकेंड वाला जेनर डायोड के लिए, और थर्ड वाला जो है वो सोलर सेल है, और फोर्थ वाला एक तरह से रेजिस्टेंस का होगा। तो ये ऑप्शन से देखें तो सेकेंड वाले ऑप्शन में लिखा हुआ सिंपल डायोड सही है, जेनर डायोड सही है, सोलर सेल भी सही है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, तो सेकेंड आंसर सही है इसका ना। क्वेश्चन नंबर 9, इन कॉमन इमीटर एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, कॉमन इमीटर में इनपुट आउटपुट के बिटवीन 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 10, रीडिंग ऑफ अ मीटर फॉर सिलिकॉन डायोड इन गिवन सर्किट फाइंड आउट करना है। सिलिकॉन डायोड के लिए जो डायोड का वोल्टेज होता है वो 0.7 होता है, तो यहाँ से अगर करंट निकालूंगा क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने, करंट की वैल्यू हो जाएगी 3 - 0.7 डिवाइड बाय आर यानी 200, सही। तो ये 2.3 डिवाइड बाय 200 आएगा जो इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 11.5 मिली एम्पियर के आसपास वाला आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर डिफाइन एज द रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इफ फॉर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10^19 their mobility 1.6 when the resistivity of semiconductor since it is an n-type semiconductor contribution hole is ignored it's close to तो सिग्मा j इक्वल टू होता है क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं करंट डेंसिटी सिग्मा इंटू ई होती है और इसको लिख दूंगा सिग्मा इंटू ई को एन ई वी डी करंट j इक्वल टू करंट अपॉन एरिया होता है करंट होता है एन ई ए वी डी तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा क्या एन ई वी डी अपॉन ई जो कि म्यू होता है सिग्मा इक्वल टू एन ई इंटू म्यू होता है ना ये रिलेशन हमें पहले से पता है तो बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर हमें क्या निकालना है रो निकालना है तो रो इक्वल टू हो जाएगा 1/NE µ सही एन की वैल्यू गिवन है आपको 10^19 और म्यू की वैल्यू गिवन है 1.6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो 1.6 × 10^-19 होता है तो यहाँ से 0.4 ओम आ जाएगा ओम मीटर ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सर्किट गिवन है करंट थ्रू जेनर डायोड फाइंड आउट करना में जेनर वोल्टेज है 50 वोल्ट तो ये 120 वोल्ट साथ में रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम और ये जेनर वोल्टेज है 50 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम सही।
तो इस ये जो 50 वोल्ट है ये 10 किलो ओम के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सपोज इसमें करंट अगर I2 तो I2 इक्वल टू लिखूंगा 50 डिवाइड बाय 10 किलो ओम यानी 5 मिली एम्पियर। सही, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये 120 है, तो ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 120। 120 माइनस 50 हो जाएगा 70। तो यहाँ से अगर हम इसकी करंट निकाले, मान लो इसमें आई करंट फ्लो रहा, तो आई इक्वल टू लिखूंगा 70 डिवाइड बाई 5 किलो ओम, तो ये 14 मिली एम्पियर आएगा। सही, ये करंट 14 मिली एम्पियर है, ये वाली करंट 5 मिली एम्पियर है, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 9 मिली एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर 4th में गिवन है। ना क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लॉजिक गेट्स गिवन हमें, लॉजिक गेट का सर्किट। ये लॉजिक गेट सर्किट गिवन है, आउटपुट जो आर है वो इक्वल टू 1 है, तो हमें पता करना है कि इनपुट क्या होगा। ऑप्शन वाई देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में एक्स 0 वाई 1 है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1, तो ये 1 है तो ये 1 होगा और ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये 0 0 को क्या करेगा 1 बनाएगा, ये 0 को 1 करेगा, ये 1 1 को 1 बनाएगा और ये 1 1 को 0 कर देगा, यानी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 2 पर चलते हैं, 1 1, ये भी 1 है ये भी 1 है ना, ये 1 को 0 बनाएगा, ये 1 होगा, ये 1 को 0 बनाएगा, ये 1 होगा, ये 0 1 को 1 0 1 बनाएगा और ये वे 1 बनाएगा, 1 1 को 1 बना देगा। सही, सही, 0 1 को 1 बनाएगा, 1 1 को सॉरी 0 बनाएगा, सॉरी गलती हो, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ना ऑप्शन नंबर 3 पर चलते हैं, दोनों 0 है। ये भी 0, ये भी 0, ये 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 कर देगा, ये भी 1 कर देगा और ये 1 1 को 0 बना देगा। तो फोर्थ वाले ऑप्शन में चलते हैं, एक्स को 1 रखा है और इसको 0 रखा है। ये 1 को 0 कर देगा, यहाँ पर 1 होगा, ये 0 को 0 और ये 0 को 1, तो ये 1 1 को कर देगा 0 और 0 0 को कर देगा 0 और ये 0 0 को कर देगा 1। इसके मतलब ऑप्शन नंबर 4th सही है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर जेनर डायोड गिवन है आपको 5.6 वोल्ट सर्किट। तो हमें करंट IZ फाइंड आउट करना है, प्रीवियस वाला सवाल है सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 14, ये 9 वोल्ट, 200 ओम, ये 800 ओम, जनरल वोल्टेज 5.6। तो इसमें करंट अगर मान लो कि I2 है तो 5.6 अपॉन 800, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 7 मिली एम्पियर। सही, ये 0, ये 0, ये 9, तो ये 5.6, तो इसके बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 3.4 होगा, तो 3.4 यानी 17 मिली एम्पियर ये करंट होगा आई, ये 17, ये 7, तो 10 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर सही। सही, ना क्वेश्चन नंबर 15, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट बिल्ड यूजिंग ए NPN ट्रांजिस्टर, DC करंट गेन इज 250 है और RC 1 है, VCC 10 वोल्ट है, मिनिमम बेस करंट फॉर VCC टू रीच द सेचुरेशन। तो सेचुरेशन वाली करंट पता करना है, VCC की वैल्यू है 10 वोल्ट
और आरसी की जो वैल्यू है वो है 1 किलो ओम, तो यहाँ से आईसी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि सैचुरेशन में जैसे कंडक्टिव वायर वर्क करेगा तो आरसी की वैल्यू आएगी 10 वोल्ट / 10 किलो ओम, 10,000 हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। तो जी 1 किलो में 10 मिली एम्पियर आ जाएगा, सही। देन उसके बाद हमें बीटा निकालना है, और बीटा इक्वल टू होता है IC/IV। IC आ गया 10 मिली एम्पियर, और IV की वैल्यू पहले से गिवन है आपको, जो सॉरी IV तो फाइंड आउट करना है, ये करंट गेन है 250, सही। तो यहाँ से IV की वैल्यू निकालेंगे तो 10 मिली एम्पियर / 250, तो ये इक्वल टू आएगा 40 माइक्रो एम्पियर, सही। तो आंसर आ जाएगा 40 माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 16, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AV फाइंड आउट करना है, कुछ भी नहीं दिया जाए तो डायोड को हम आइडियल मानेंगे, तो 10 10 हो जाएगा कितना, 5 जो पैरेलल में कनेक्टेड है, 5 + 10 किलो ओम हो जाएगा 15, तो करंट फ्लो होगी कितनी, 30/15 यानी 2 मिली एम्पियर, और ये करंट फ्लो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट, सही। सिंपल सा सवाल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ये लॉजिक गेट सर्किट आपको गिवन है, ये बी ए और ये ए, ये सर्किट, ये दो इनपुट ए और बी। इन द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट व्हाट विल बी द आउटपुट एट जेड व्हेन इनपुट ए बी आर 1 0 0 0 1 1 0 1, ये सिचुएशन है। तो पहले 1 0 आउटपुट दिया, इनपुट दिया, तो ये 1 है और ये 0 है, सही। तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये 0 तो 0 होगा, और ये 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, सही। ये इसको 1 बनाएगा, ये 1 0 को 1 बनाएगा, फिर ये 1 1 को 1 बनाएगा, ये 1 है और ये भी 1 1 है, तो 1 1 को 0 बना देंगे, यानी आउटपुट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देते हैं 0 0, ये 0 ये भी 0, तो ये 0 0 0 0, 0 0 को 1 बनाएगा, 0 0 को 0 बनाएगा, ये 1 और 0 को 0 बनाएगा, और ये 1 है, ये 1 0 को एक तरह से 0 बना देगा, सही। तो 2 बार 0 आना चाहिए ना, जो कि एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए आंसर आ जाएगा 3। ना क्वेश्चन नंबर 18, इन अ सेमी कंडक्टर फोटोडायोड कैन बी डिटेक्टेड ए फोटोन विद मैक्सिमम वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, देन बैंड गैप एनर्जी फाइंड आउट करना आपको। तो बैंड गैप एनर्जी इक्वल टू लिखूंगा SC/λ, और H की वैल्यू गिवन है 6.63 × 10⁻¹¹, इंटू सी गिवन है 3 × 10⁸, और लेमडा की वैल्यू जो है 400 नैनोमीटर, तो 400 × 10⁻¹⁹, तो यहाँ से आंसर जूल में आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, तो 1 जूल इक्वल टू 1/E, तो इसको 1/E से डिवाइड करो, 1.6 × 10⁻¹⁹, तो यहाँ से E की वैल्यू जब निकालोगे आप तो इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, सही, ये आंसर होगा इसका। तो ये हमने एक्सरसाइज 3 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया। नाउ एक्सरसाइज 3 का पार्ट नंबर 2, टू आइडेंटिकल PN जंक्शन में भी कनेक्टेड इन सीरीज विद बैटरी इन 3 वेज, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 PN जंक्शन आर इक्वल, तो हमें पता करना है कि किसमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोनों PN जंक्शन के लिए इक्वल होगा, ये PN और ये भी PN, सॉरी ये NP है। तो अगर इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे
तो ये फॉरवर्ड होगा तो रिवर्स दोनों इक्वल आएंगे नहीं। सेकंड वाले केस में क्या है, ये कंडीशन है, ये फॉरवर्ड ये भी फॉरवर्ड, तो दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा। और थर्ड वाले केस में है ये एन ये पी और ये एन पी दोनों रिवर्स में, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। तो डायग्राम नंबर 2 और 3 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। इन पी एन जंक्शन डायोड विच नॉट कनेक्टेड बाई एनी सर्किट, जो को सर्किट से नहीं कनेक्ट करेंगे तो ऑप्शन को देखते हैं, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, जबकि डिप्लेशन रीजन में पोटेंशियल रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। देर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर गिवन सर्किट टू एक्ट फुल वेव रेक्टिफायर डी सी इनपुट शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस एन डी सी आउटपुट। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 में सर्किट गिवन है, हमें पता करना है कि कहाँ पर इनपुट लेंगे कहाँ पर आउटपुट लेंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये बी है और ये डी है, सही। तो अगर मान लो कि हम इनपुट कनेक्ट कर रहे हैं किसके बिटवीन, ए डी के बिटवीन, ये इनपुट है मान लेते हैं, और आउटपुट लेना है किसके बिटवीन, ए सी के बिटवीन। तो जब पॉजिटिव साइकिल होगी तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ये वाला डायोड भी फॉरवर्ड, तो करंट यूँ चलेगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी, सही। और जब नेगेटिव साइकिल होगी उस केस में देखें तो ये माइनस माइनस और ये प्लस, ये प्लस, सही, ये प्लस है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये वाला डायोड भी फॉरवर्ड बायस होगा, तो करंट यहाँ से चलती हुई यूँ आएगी। इन दोनों केस में करंट क्या हो रही है, सेम डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब वी डी के बिटवीन तो आएगा आउटपुट, सॉरी इनपुट, और ए सी के बिटवीन होगा आउटपुट। इन इन द बैंक्स बायस पी एन जंक्शन द नेट फ्लो होल इज फ्रॉम एन टू पी साइड, होल का फ्लो जो होगा एन साइड से पी साइड होगा, तो पी साइड है एन साइड है, ये होल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो इसने बोला है होल का जो फ्लो होगा एन से पी की तरफ होगा, एन यहाँ से होल, इसमें होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं तो इधर जाएंगे, ऐसा तभी हो सकता है जब हम रिवर्स बायस करें। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो फिल इन द ब्लैंक से उसमें ऑप्शन होगा रिवर्स बायस। ओके, तो हमने सेमीकंडक्टर का डिस्कशन कंप्लीट किया।